हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाची की अलबेली रसोई। आज की हमारी रेसिपी है पालक चिकन पुलाव। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं राइस, कॉर्न, स्पाइसेस, अनियंस, स्पिनच, चिकन, टोमेटोज और कुकम्बर। आप चाहें तो चिकन की जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन लिया है, कॉर्न लिया है और पालक का पेस्ट लिया है। हमने पालक को उबाल कर उसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार किया है। अब हम कुकर चढ़ाएंगे, इसमें देशी घी डालेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। घी हीट होने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे। जीरा डालेंगे, और चॉप्ड अनियन। अनियन को हमको शैलो फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक। पालक का पेस्ट डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि पालक भी थोड़ा सॉल्टी होता है। अब हम डालेंगे जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती राइस लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इन सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 कप राइस लिया था और 1 कप वाटर लिया है। अब हम कुकर बंद करके 3 से 4 विसल लगाएंगे। हमारा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसको ऊपर हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि जो शेप हमें चाहिए वो इजीली निकल आए। इस पे मैंने चिकन रखा है, इसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो चिकन की जगह पनीर भी ले सकते हैं और पनीर को शैलो फ्राई कर उसको इसी तरीके से रख सकते हैं। अब रखेंगे टमाटो। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और एंड में इसको गार्निश करने के लिए हम रखेंगे धनिया पत्ती। ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आज ही हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।